हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। तो आज हम जो मेडिसिन पढ़ेंगे उसका नाम है एलोसोकोट्रिना। सो ये जो मेडिसिन होती है एलोसोक मेडिसिन एलोवेरा से बनती है, ठीक है। सो इसका कॉमन नेम क्या है? सोकोट्राइन एलोस, और इसके प्रूवर है हेल्पी, और इसकी जो फैमिली है वो है लिलिएसी। तो जैसे एलोवेरा जो है वो तो हमें वैसे भी पता है, फेस वगैरह पे लगाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। उसी तरह होम्योपैथी में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसकी मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका GIT पढ़ना है, जिसमें इसका डायरिया कंपैरिजन में पूछते हैं। या तो उसका कंपैरिजन दे सकते हैं एंटीमोनियम क्रूडम के साथ में, या फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ में। सो एलोसोक मेडिसिन जो है हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। एलोसोक इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी लाइक नक्स वोमिका इन री एस्टैब्लिशिंग फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम आफ्टर मच ड्रगिंग, वेयर डिजीज एंड ड्रग सिम्टम्स आर मिक्स टू फॉर्म अ कॉमन पूल। तो ये जो मेडिसिन होती है ना, ये नक्स वोमिका की तरह यूज़ में आती है। ये बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है उसको री एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती है। जैसे कई बार कोई पेशेंट आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले चुके हैं अलग अलग सिस्टम से, तो उनकी बॉडी का जो डिजीज़ पिक्चर है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। उनकी जो डिजीज़ के सिम्टम है वो उनकी दवाई के सिम्टम के साथ में मिक्स हो चुके होते हैं। तो उस केस में हम ये एलोज मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को सही तरीके से उसकी बीमारी के सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करने में। ये मेडिसिन जैसे हेल्प करती है और ड्रग सिम्टम्स को ये रिमूव कर देगी, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो डॉक्टर एन एम चौधरी हैज़ मास्टरली रिमार्क्ड दैट टू राइट अ मटीरिया मेडिका विदाउट एलो इज़ टू राइट अ नॉवल विदाउट अ हीरो। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप मटीरिया मेडिका लिख रहे हो, अगर आप एलो मेडिसिन नहीं डाल रहे, तो मतलब आपकी अगर वो नॉवल समझा जाए उस मटीरिया मेडिका को, तो वो नॉवल बिना हीरो के आप एक नॉवल लिख रहे हो। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेडिसिन हमारे लिए। क्लिनिकली एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, एनल इफेक्शन, कॉलिक कॉन्स्टिपेशन, कफ, डायरिया, डायसेंट्री, हेमरॉइड्स, स्किन इफेक्शंस। सो स्किन इफेक्शन पे भी जैसे कि हम नॉर्मली भी देखते हैं, वैसे पोटेंटाइज होके भी ये स्किन पे अच्छा एक्शन करती है। स्वेयर इफेक्शन इसका होगा, इट एक्ट्स स्पेशली अपॉन द नर्वस सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, ब्लड एंड स्किन। इट हैज़ गॉट स्पेशल एक्शन अपॉन द लीवर एंड इंटेस्टाइन, क्योंकि GIT इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन सिम्टम भी इंपॉर्टेंट है। मेन डायरिया इसका आता है GIT के अंदर भी। पैथोजेनेसिस, व्हेन एक्टिंग ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ GIT ट्रैक, इट प्रोड्यूसेस डायरिया, डायसेंट्री एंड हेमरेज फ्रॉम द हेमोरॉइडल वेसल्स। इट अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन स्पेशली रेक्टम, प्रोड्यूसिंग लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ स्फिंक्टर एंड आई। इट ऑल्सो कॉजेज कंजेशन ऑफ वेरियस पार्ट स्पेशली एबडमन, पेल्विक ऑर्गन एंड हेड। तो इसमें क्या है, लॉस ऑफ कंट्रोल होता है स्फिंक्टर एंड आई का। या आप आगे जैसे हम अभी गाइडिंग सिम्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ आएगी कि लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ स्फिंक्टर एंड आई। व्हाट इज स्फिंक्टर एंड आई? स्फिंक्टर एंड आई का मतलब होता है कि एनस में एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं टूंटी की तरह है, जैसे कि ये जो स्फिंक्टर है ये रोक के रखता है एनस को कि वो स्टूल पास ना करे। अगर ये स्फिंक्टर खुल जाता है तो क्या होगा, स्टूल अंदर से बाहर हो जाए, पास हो जाएगा एनस से। अगर ये स्फिंक्टर बंद रहता है तो वो स्टूल नहीं निकलता। और इस केस में जो ये मेडिसिन है वो स्फिंक्टर एंड आई का, अगर मान लो वीकनेस आ गई है किसी पेशेंट के अंदर, तो उस कंप्लेन में भी ये मेडिसिन इफेक्टिव है, ठीक है। सो इसमें लॉस ऑफ कंट्रोल होता है स्फिंक्टर एंड आई का। देन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, फिजिकल मेकअप स्पेशली सूटेड टू ओल्ड पीपल, वुमेन ऑफ रिलैक्स, फ्लेगमेटिक हैबिट, इंडोलेंट, वियरी पर्सन लीडिंग सेडेंटरी लाइफ, एवर्स टू आइदर फिजिकल एंड मेंटल लेबर। मतलब कि ऐसे ओल्ड पीपल को ये सूट होती है मेडिसिन, या औरतों में ये अच्छी मेडिसिन होती है जो मतलब लेजी होती है, ऐसी टाइप की वुमेन जो कि ज़्यादा काम नहीं करती, मेंटली फिजिकली लेजी है, पड़े रहेंगी, सेडेंटरी लाइफ जियेंगी, ज़्यादा उनके अंदर फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, लेजी होती है, उन फीमेल्स के अंदर ये मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। टेम्परामेंट कैसा होता है, बिलियस टेम्परामेंट, क्योंकि लीवर भी इन्वॉल्व है, हमने यहाँ पढ़ा था लीवर भी इन्वॉल्व है। सो उस वजह से इसका टेम्परामेंट क्या होता है, बिलियस टेम्परामेंट होता है। रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, पेशेंट कैसा है, हॉट पेशेंट है, यानी कि कंप्लेंट्स कब एग्रावेट होएंगी, गर्मी में, ठीक है। म्याजम क्या है, सोरा इन द बैकग्राउंड। देन गाइडिंग सिम्टम, गाइडिंग सिम्टम में इसमें दिया हुआ है, पहला प्रोफ्यूज जेली लाइक म्यूकस फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ इंटेस्टाइन एंड थ्रोट। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने देखा है, एलोवेरा देखा है, तो एलोवेरा में क्या होता है, पत्ता अगर आप उसको ऐसे कट लगाओ तो आपको दिखेगा उसमें जेली सी होती है, ठीक है।
वैसी जेली आप इमेजिन करो कि पेशेंट की बॉडी के अंदर जहाँ पे भी डिस्चार्ज होने होते हैं हर जगह जेली लाइक म्यूकस मिलेगा। अगर इंटेस्टाइन की बात हो रही है तो इंटेस्टाइन में जेली लाइक म्यूकस है, तो स्टूल में भी जेली लाइक म्यूकस आएगा, वॉमिटिंग है जेली लाइक म्यूकस होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें जेली लाइक म्यूकस है, हर जगह बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन में से जेली लाइक म्यूकस निकलता है, यही इसका करेक्टरिस्टिक एक सिम्टम होता है। ठीक है, सो ये आपको एक तरीके से डॉक्टर एंड सिग्नेचर के अकॉर्डिंग भी अगर बात करें तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सो प्रोफ्यूज जेली लाइक म्यूकस फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ इंटेस्टाइन एंड थ्रोट, ये काली बाइक्रोम पोडोफाइलम और हेलीबोरस में भी है। देन इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम विद वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पावर इन स्फिंक्टर एंड आई, जो कि हम ऑलरेडी पैथोजेनेसिस में डिस्कस कर चुके हैं। हॉट पेशेंट एग्रेवेशन फ्रॉम वार्म एंड एम्यूरेशन फ्रॉम कोल्ड वाटर कोल्ड वेदर, ऑलरेडी हमने पढ़ा कि उसको एग्रेवेशन होगी क्योंकि हॉट पेशेंट है, तो उसको एग्रेवेशन होगी हॉट चीज़ों से, एम्यूरेशन होगी उसको कोल्ड चीज़ों से। इच अपियर्स ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेस डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ और हिज कंप्लेंट्स स्पेशली वेन कॉन्स्टिपेटेड, तो वैसे तो डायरिया है पेशेंट को, बट डायरिया कैसा है अल्टरनेट करता है, कभी कॉन्स्टिपेशन है तो नेक्स्ट डे उसको डायरिया हो जाता है, वो अल्टरनेटिंग टाइप का उसका डायरिया है, तो उस केस की वजह से इसमें जब उसको कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो इरिटेट करेगा। वैसे फीमेल कैसी है कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, फ्लेगमेटिक है। फ्लेगमेटिक कौन सी होती है, जिन्हें जो कि मतलब बहुत ज़्यादा काम होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब शांत टाइप की हैं, लेजी हैं वैसे भी, बट वैसे मेंटली भी गुस्सा नहीं करती, एकदम शांत काम बिहेवियर उनका होता है, उन्हें फ्लेगमेटिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड होगा उसको गुस्सा आएगा, वैसे काम नेचर है लेकिन कॉन्स्टिपेशन होने पर गुस्सा आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में इसमें हेमरॉइड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेमरॉइड्स एक का अपना ही एक करेक्टर है कि बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स देखें ग्रेप्स के गुच्छे के जैसा इसमें हेमरॉइड्स होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लीड करता है, टेंडर होता है, हॉट होता है, बर्निंग फीलिंग होती है। ठीक है, सो इसके हेमरॉइड्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, GIT में पाइल्स आएगा, डायरिया आएगा, डायसेंट्री इसमें आएगी। ठीक है, सो हेमरॉइड लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स ब्लू विच ब्लीड्स एंड इज सोर टेंडर एंड हॉट विद इचिंग रिलीफ बाय कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ मिलेगा। डायरिया फॉलोड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, एक दिन डायरिया है एक दिन कॉन्स्टिपेशन है, सॉलिड स्टूल पासिस आउट इनवॉलेंटरली, क्योंकि क्या है स्फिंक्टर एंड आई उसमें वीक है, वो खुला हुआ है, तो स्टूल पास होता रहेगा इवन इफ कॉन्स्टिपेशन है, तो जब वो स्टूल पास करने जाएगा तब उसे स्टूल पास नहीं होगा, कॉन्स्टिपेटेड फील करेगा, लेकिन वैसे उसके थोड़ा थोड़ा स्टूल जो है सॉलिड स्टूल पास होता रहेगा उसमें से, क्योंकि स्फिंक्टर एंड आई ओपन है। देन इसमें पर्टिकुलर हेड क्या होता है, हेडेक होएगा कॉजेशन ड्यू टू इनसफिशियंट स्टूल एंड फ्रॉम सेडेंटरी लाइफ, बैठे रहने से सेडेंटरी लाइफ है उसकी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन भी है, कॉन्स्टिपेशन से ज़्यादा स्टूल भी नहीं निकल रहा तो उसकी वजह से उसको हेडेक हो जाता है। हेडेक में कैसा होगा, फोर हेड टाइप का हेडेक होएगा, फोर हेड में उसको हेडेक होएगा। करेक्टर कैसे, कंजेस्टिव टाइप ऑफ हेडेक, सेंसेशन ऑफ हीट ऑन द सर्फेस विद फीलिंग ऑफ कंजेशन एंड फुलनेस, एकिंग पेन अबव द फोरहेड एंड विद हैवीनेस इन द आइज, मस्ट क्लोज दैम, आंखों में भारीपन लगेगा, फोरहेड पे हेडेक होएगा, भारीपन लगता है आइज में, क्लोज करके उसको रिलीफ मिलता है। एग्रेवेशन कैसे होता है, एग्रेवेशन फ्रॉम एवरी फुटस्टेप फ्रॉम हीट एंड एम्ब्यूरेशन फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन, चलने से उसको एग्रेवेशन होगा, हीट से भी एग्रेवेशन होगा और ठंडे एप्लीकेशन से उसको रिलीफ होगा। ये तो आपको इतना हमें आइडिया हो ही चुका है मोडालिटीज़ के हिसाब से। कॉन्कॉमिटेंट क्या है, हेडेक अल्टरनेट्स विद लम्बैगो, आप ऑर्गनन पढ़ते हो, ऑर्गनन में भी आएगा एक अल्टरनेटिंग एक्शन, अल्टरनेटिंग एक्शन के अंदर क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग एक्शन, अगर आप चाहते हो तो मैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ऑर्गनन के टॉपिक्स भी, अगर आप चाहते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोल देना ताकि मैं उस पर वीडियो बना दूँ। तो उसमें एक अल्टरनेटिंग एक्शन का टॉपिक होता है, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एग्जाम्पल लिखने के ये काम आता है कि हेडेक अल्टरनेट्स विद लम्बैगो, लम्बैगो क्या होता है, लम्बर रीजन में पेन होना, कब एक दिन हेडेक होगा अगले दिन लम्बैगो हो गया, जब लम्बैगो होगा तब हेडेक नहीं होगा, जब हेडेक होगा तो लम्बैगो ठीक हो जाएगा, ऐसे अल्टरनेटिंग एक्शन इसको कहते हैं। GIT सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन में आते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ, एंटीमोनियम क्रूडम के साथ, कॉजेशन क्या होगा GIT कंप्लेंट्स का, आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, जो डायरिया है उसका वो ईटिंग और ड्रिंकिंग की वजह से, खाने पीने की वजह से उसको डायरिया लग गया। टाइम क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग, पेशेंट हैज़ टू हरी टू द क्लोजेट ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग और इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विद वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एंड आई।
पेशेंट क्या है, जैसे ही सुबह उठेगा दौड़ेगा बाथरूम की ओर, उसको स्टूल इतनी जोर से प्रेशर होगा स्टूल पास करने का, या फिर जैसे ही खाना खाने बैठेगा, कॉजिशन क्या, खाना पीना, जैसे ब्रेकफास्ट करने बैठा एकदम से उसको प्रेशर आ जाएगा, वो स्टूल पास करने के लिए भागेगा। क्यों भाग क्यों रहा है? क्योंकि उसकी जो स्फिंक्टर है ना ये वो खुली है, उस पर कंट्रोल है नहीं, तो स्फिंक्टर है ना ही उसकी ऐसे खुली है, तो उसमें से स्टूल फटाफट निकल आएगा बाहर, तो बाहर ना आ जाए इसलिए वो भागा भागा जाएगा। क्वांटिटी क्या है, स्केंटी स्टूल है, करेक्टर होता है वॉटरी येलोविश जेली लाइक म्यूकस इन द स्टूल पेनफुल, ऑब्वियस ही बात है जेली लाइक म्यूकस होगा ही होगा इसमें। देन बिफोर स्टूल द एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड विद गैस कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड टाइटनेस विद रंबलिंग एंड गगलिंग साउंड इन द एब्डोमेन विद सडन अर्जिंग एंड हैवनेस इन द रेक्टम। स्टूल पास करने से पहले गैस होएगी, रंबलिंग गगलिंग साउंड होएगी, ड्यूरिंग स्टूल कटिंग पेन होगा, पेन होने के साथ में फ्लैटस निकलेगा, ऑफेंसिव होगा और हंग्री फील करेगा। सो कटिंग ग्रिपिंग पेन इन दी राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन, एक्सक्रिएटिंग टाइप ऑफ पेन विद मच फ्लैटस व्हेन पासिंग फ्लैटस सेंसेशन एज ए स्टूल वुड ऑल्सो पास विद इट, द फ्लैटस इज वेरी ऑफेंसिव बर्निंग कॉपियस, मच फ्लैटस विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस, ऑल्सो ड्यूरिंग स्टूल देर इज गशिंग ऑफ थिन येलोइश वाटरी ऑफेंसिव एंड एक्सकोरेटिंग फीसेस विच बर्न लाइक फायर मेकिंग द एनस सोर हंगरी ड्यूरिंग स्टूल। तो वो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया है कि पेन होगा उसको स्टूल पास होगा तो उस वक्त उसके फ्लैटस बहुत ज़्यादा होगा, फ्लैटस कैसा है बहुत ऑफेंसिव है बर्निंग टाइप का है, और साथ में उसको स्टूल थोड़ा सा ही पास होता है ज़्यादा नहीं होता, वाटरी येलोइश टाइप का है, जेल लाइक म्यूकस होगा। आफ्टर स्टूल क्या है, ऑल पेन सीज आफ्टर स्टूल लिविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड प्रोफाउंड वीकनेस। जब स्टूल पास कर देगा पेशेंट तो पेशेंट को क्या होएगा, वो उस पर पसीना वसीना आ जाएगा, इतना थक जाएगा वो स्टूल पास करके, थकान हो जाएगी उसमें, वीकनेस आ जाएगी इतनी। मोडालिटीज़ क्या, एग्रेवेशन आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो कॉजेशन है वही उसका मोडालिटी बन गया। कॉन्कॉमिटेंट क्या, डायरिया अल्टरनेट्स विद हेडेक, डायरिया भी इसमें हेडेक के साथ कई बार अल्टरनेट करता है। देन डायसेंट्री, देर इज इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ कोलोन एंड रेक्टम। तो डायसेंट्री क्या होता है, जहाँ पे स्टूल मतलब डायरिया लगता है, डायरिया के साथ में उसको म्यूकस और ब्लड निकलता है, उसे डायसेंट्री कहते हैं, ठीक है, जिसमें डायरिया है, डायरिया में म्यूकस निकल रहा है और ब्लड भी निकल रहा है। सो देर इज इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द कोलोन एंड रेक्टम। करेक्टर ऑफ स्टूल क्या होता है, डायरिया में ब्लडी डायसेंट्री में ब्लडी डिस्चार्ज विद मच जेली लाइक म्यूकस एंड लेस ब्लड, समटाइम द पेशेंट पास इज नथिंग बट लार्ज क्वांटिटी ऑफ जेल लाइक म्यूकस ओनली। सो इसमें डायसेंट्री में होता क्या है, म्यूकस होता है, तो इसमें भी जेल लाइक म्यूकस होगा, थोड़ा ब्लड होगा, कई बार स्टूल की जगह केवल म्यूकस ही होता है। बिफोर स्टूल रंबलिंग साउंड इन द स्टमक विच इज़ फुल ऑफ गैस, गैस भरी हुई होगी स्टूल के दौरान, कटिंग ग्रिपिंग पेन होगा लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमन में। आफ्टर स्टूल प्रोफाउंड वीकनेस प्रोस्ट्रेशन, वीक फील करेगा स्टूल पास करने के बाद। मोडालिटीज़ क्या, एग्रेवेशन आफ्टर ईटिंग ड्रिंकिंग, वही जो डायरिया की है वही डायसेंट्री की मोडालिटीज़ है। देन कॉन्स्टिपेशन में दिया हुआ है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक भी तभी हुआ था। करेक्टर स्टूल हार्ड लंप विदाउट एनी अर्जिंग टू स्टूल, सॉलिड स्टूल मासेज ऑफ म्यूकस पासिस इन वॉलंटरली, देर इज एंटायर लॉस ऑफ सेंसेशन इन एनस, नो फीलिंग ड्यूरिंग पैसेज ऑफ स्टूल। मतलब ऐसे तो वो कॉन्स्टिपेटेड है, मतलब उसे अर्ज नहीं आ रही स्टूल पास करने की, लेकिन उसकी जो स्फिंक्टर है ना ये वो वीक है, तो वो खुली हुई है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा स्टूल जो होता है वो निकलता रहेगा म्यूकस के फॉर्म में, वो बॉल सी सॉलिड उसकी निकलती रहेंगी, पर जैसे वो स्टूल पास करने जाएगा उसे कोई अर्ज नहीं आएगी, स्टूल आएगा ही नहीं उसको, इस तरीके की कॉन्स्टिपेशन है। देन पाइल्स, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको रीड कर देते हैं। कॉन्जेशन, सेडेंटरी लाइफ एंड पोर्टल कंजेशन, करेक्टर ब्लीडिंग टाइप की पाइल्स है, खून निकलता है उसमें ब्लीडिंग होती है। अपीयरेंस लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ब्लूइश कलर का है, ग्रेप्स के गुच्छे जैसा होगा, नीले रंग की होंगी। करेक्टर ऑफ पेन कैसा है, कॉन्स्टेंट बियरिंग डाउन पेन इन द रेक्टम विद इंटेंस इचिंग बर्निंग इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप, वेरी मच टेंडर हॉट एंड सोर विद लूज स्टूल। मोडालिटीज़ क्या है, हीट से एग्रेवेशन है, एम्यूरेशन होगी कोल्ड एप्लीकेशन से। उसके बाद में जनरल मोडालिटीज़ में एग्रेवेशन होती है मॉर्निंग में, सेडेंटरी लाइफ से, गर्मी से, खाने पीने से, ये तो आइडिया हो ही गया होगा आपको, स्टैंडिंग से, वॉकिंग से। एम्यूरेशन है उसको कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर, डिस्चार्ज ऑफ लेटर्स से उसको थोड़ा रिलीफ है स्टूल से। रिलेशन क्या है इसका, कि सल्फर क्या है, एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री टू सल्फर, इट इज़ एंटीडोटेड बाय सल्फर, इट इज़ एंटीडोटेड बाय सल्फर बट इट रिजेंबल सल्फर इन मैनी सिम्टम्स एंड इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस विद सल्फर इन क्रॉनिक डिजीज विद एबडोमिनल लिथोरा। सो वैसे तो ये एंटीडोट भी करती है सल्फर इसको, लेकिन सल्फर के साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें एंड चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें. थैंक यू सो मच.